नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में। पहले हमने बात की थी क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म के बारे में। तो ये जो विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, जैसे कि क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म है, ये भी शेपिंग और स्लोटिंग मशीन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से है। देखिए, यहाँ पर ये लगी है रैम, इसको हम रैम बोलते हैं, जिसके साथ ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है ये अटैच होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये कटिंग टूल इसके साथ लगा हुआ है, जो कि R1 R2 ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, तो इसके अंदर ये चलता है, इस लाइन के थ्रू ये चलता है, यानी कि ये सीधी लाइन में चलता है। तो इसको हम बोल देते हैं लाइन ऑफ स्ट्रोक है ये। इसी तरह से जो ये है AP है हमारी स्लोटेड जो है बार है, आप इसको बोलेंगे स्लोटेड बार। अब ये स्लोटेड बार कौन सी होती है, स्लोटेड बार होती है, मान लीजिए इस तरह की कोई बार है आपके पास और उसके बीच में आप इस तरह का कोई स्लोट काट दें, यानी कि इस तरह की खाली जगह बना दें, तो ये स्लोटेड बार होती है। इसी तरह की ये स्लोटेड बार है और इसके अंदर ये जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, तो ये होता है स्लाइडर, जो कि इसके अंदर स्लाइड करता है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है स्लाइडर बोल दिया जाता है। अब जो CA है, CA ये क्रैंक है जो कि रोटेट करेगी, तो CA जो है यहाँ पे इसको बोल दीजिए आप, ये क्रैंक है जो कि रोटेट करेगी, तो CA क्रैंक है जो रोटेट करेगी, और जब ये रोटेट करेगी तो ये इसके अंदर स्लाइड करेगा, और जब ये स्लाइड इसके अंदर स्लोटेड बार के अंदर करेगा तो ये जो पूरा जो बार है AP बार है वो ओसिलेट करेगी, इस तरह से ओसिलेट करेगी। तो जब ये ओसिलेट करेगी इसके साथ यहाँ पे P और ये जो यहाँ पे लिंक है, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, PR दे दीजिए, PR जो लिंक है, जब ये इसको धकेलेगा तो जो रैम है, रैम चलेगी इस लाइन में, रैम के साथ ये कटिंग टूल कनेक्ट है तो कटिंग टूल चलेगा, तो इसके अंदर ये होता है। अब फॉरवर्ड जो होगा ये कटिंग स्ट्रोक होगा, कटिंग स्ट्रोक जो है ये फॉरवर्ड होगा, और इसी तरह से जो ये बैकवर्ड है यानी कि ये वापस जाएगा, तो इसको हम आइडियल स्ट्रोक बोल देते हैं या रिटर्न स्ट्रोक बोल देते हैं, आइडियल स्ट्रोक बोल दीजिए या रिटर्न स्ट्रोक बोल दीजिए। इस स्ट्रोक के अंदर जो टूल है वो वापस जाएगा, वापस चला जाएगा, तो आइडियल स्ट्रोक बोल दीजिए या रिटर्न स्ट्रोक आप इसको बोल दीजिए। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से लिंक हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अब जो ये लिंक है CD, ये देखिए ये CD लिंक है, इसको फिक्स किया गया है, यहाँ पे हमने इस तरह की लाइनें दिखाई हैं, ये फिक्स्ड लिंक है, तो इसको आप एक तो लिंक ये है इसके अंदर। इसी तरह से और कौन कौन से लिंक हैं इसके अंदर, ये जो क्रैंक है ये लिंक है इसके अंदर, इसी तरह से जो स्लाइडर है ये लिंक है इसके अंदर, और स्लोटेड बार है जो ये लिंक है, तो इनको आप नाम दे दीजिए। स्लोटेड बार को आपने लिंक 1 नाम दे दिया, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा लिंक 1 है। अब यहाँ से चलते हैं लिंक 1, और ये जो CD है इसको लिंक 2 आप नाम दे दीजिए, इसी तरह से क्रैंक को लिंक 3 आप नाम दे दीजिए, और स्लाइडर को लिंक 4 नाम दे दीजिए। इस तरह से आपने इसको 4 लिंक इसके अंदर बना दिए, और दूसरा जो लिंक है ये आपने फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, जैसे कि हमने देखा, अब यहाँ पे ये C है, ये A1 है, ये A2 है, ये पॉइंट देखिए, ये A1 पॉइंट है, ये A2 पॉइंट है। अब जो CA है, CA यानी कि जब ये घूम रही है A2 पे आएगी, जब ये घूमेगी फिर A1 पे आएगी, फिर से ऐसे घूम के इस तरह से ये घूमती रहेगी। अब जो C है ये जब CA1 से यानी कि यहाँ पे होगी और CA2 की तरफ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक CA2 की तरफ जाएगी, या आप कहें कि जो लिंक DP है, ये जो लिंक DP है ये क्या करेगा, DP1 से यहाँ से DP2 की तरफ जाएगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो CA1 से जो क्रैंक है, ये जो क्रैंक है ये रोटेट कर रही है, पहले मान लीजिए यहाँ थी, जब इसने रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया यहाँ पे आई, तो इसने इतना एंगल कवर किया, इतना जो एंगल कवर किया, इस एंगल को हम बोल देते हैं कि मान लीजिए ये अल्फा एंगल है, तो जब ये इतना एंगल कवर करेगी, यहाँ से यहाँ चलेगी, तो हमने कहा DP1 से DP2 जाएगा, ये जो पूरा लिंक है DP था, ये DP लिंक है, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, तो जैसे ही ओसिलेट करेगा ये इस लिंक को धकेलेगा और रैम आगे चलेगी, यानी कि कटिंग स्ट्रोक हमारा चलेगा इसके दौरान। इसी तरह से क्या होगा, जब ये CA2 से CA1 की तरफ जाएगी, यही क्रैंक CA2 से CA1 की तरफ जाएगी, इस तरह से जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिटर्न स्ट्रोक लेगा,
या आप कहें कि DP2 से DP1 की तरफ ये लिंक मूव करेगा, जो DP लिंक है। तो ये जो एंगल है हम इसको बोल देते हैं बीटा एंगल है, और ये भी जो हमारी क्रैंक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो जो हमारा टूल है वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलेगा, यानी कि रिटर्न स्ट्रोक होगा। तो इसके अंदर हमें ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो टाइम टेकन है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए, यानी कि जब टूल आगे जाएगा, ये जो अल्फा जो एंगल है टाइम टेकन जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से जो टाइम टेकन है जब ये वापस आएगा रिटर्न स्ट्रोक में, ये एंगल बीटा है और कम है, ये कम है। तो इसको आप एक रेशो के थ्रू लिख सकते हैं, क्योंकि जो CA है, CA तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रही है यहाँ पे, लेकिन आगे वो देर में जा रहा है, पीछे वो जल्दी आ रहा है, इसलिए इसको क्विक रिटर्न मोशन भी बोल दिया जाता है। तो इसके अंदर देखिए आप इसका रेशो लिख सकते हैं कि जो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक है वो कितना है, वो तो है सॉरी अल्फ़ा है, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक तो अल्फ़ा है जब आगे की तरफ जाएगा, और जो टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक है वो क्या है, बीटा है। अब अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हैं, ये पूरा 360 होगा जब एक पूरी रोटेशन लेगी क्रैंक, तो अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा को 360 डिग्री माइनस बीटा लिख सकते हैं, नीचे बीटा आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला बन सकता है, या आप बीटा को चेंज कर दीजिए, इसको 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा लिख दीजिए, इसका ये भी फॉर्मूला बन सकता है। तो दोनों ही फॉर्मूले इसके बन सकते हैं। तो ये जो है देखिए आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ये जो टूल है मूव करता है, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस मूव करता है, यहाँ पे देखिए PD है, मान लीजिए यहाँ था PD, यहाँ था, तो PD इतना और PD इतना दुगना मूव करेगा, तो 2PD भी आप इसको बोल सकते हैं कि 2PD जो है डिस्टेंस मूव करेगा, क्योंकि PD पहले यहाँ था, सीधा था, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यानी कि ये जो है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसका हाफ और इसका हाफ, यानी कि दुगना हो जाएगा, 2PD आप उसको बोल सकते हैं, जो ये स्ट्रोक जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जब टूल मूव करते हैं करता है, तो इतना बोल सकते हैं। तो ये था हमारा विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।